दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं NDRI करनाल मेले में। तो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इलाज दिखाएंगे चिचड़ियों को मारने के लिए, देसी दवा जो है किसान किस तरह बना सकता है, और ये एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। तो हमारे साथ सर हैं, वो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कैसे ये दवा बना सकते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और अपनी संस्था का नाम बता दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम डॉक्टर असलम है। हम NDRI में एज ए जूनियर रिसर्च फेलो काम कर रहे हैं, और ये जो देसी दवाई है निरगुंडी और नीम की पत्ती से हम दवा बना रहे हैं, और ये पूरी तरीके से फ्री है किसानों को। जो नीम की पत्ती और निरगुंडी पौधा उनको आराम से मिल जाता है, उनको कुछ नहीं करना है। सीधे हमने एक चार्ट बनाया है कि 2.5 किलो नीम की पत्ती ले लें और 4 लीटर पानी में उसको बॉयल कर लें, और 1 किलो निरगुंडी की पत्ती ले लें उसको 2 लीटर पानी में बॉयल कर लें। इसको बॉयल करने के बाद उनको 12 घंटे रख देना है, छानना नहीं है, 12 घंटे के लिए रख देना है। उसको छाव में रखना है या धूप में रखना है? कहीं भी रख दें, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में कहीं भी रख दें, कोई दिक्कत नहीं। वो ठंडा हो जाए और 12 घंटे तक पानी में डूबा रहे वो, इस पानी में जो हमने पानी डाला था। उसके बाद 12 घंटे के बाद इसको अलग से छान लें और इसको भी अलग छान लें, दोनों पानी अलग अलग छान लें। छानने के बाद फिर 300 मिलीलीटर नीम के पानी ले लें, जो नीम का पत्ता का पानी था उसको ले लें, 100 मिलीलीटर जो है निरगुंडी के पत्ते का पानी ले लें, दोनों को मिला लें। दोनों मिलाने के बाद उसमें 3.5 लीटर पानी अलग से फ्रेश पानी उसमें डाल दें, और डालने के बाद अपना पूरा 4 लीटर वो बन जाता है हमारा। और ये एक स्प्रे बोतल हमारे पास है वहाँ पर, यह है, इसमें हम उसको भर लेते हैं। तो किसान भाइयों, ये स्प्रे बोतल है सर, बताइए इसके बारे में। हाँ, ये स्प्रे बोतल है जो मार्केट में 100 से 100 रुपए से 120 रुपए तक मिल जाती है बोतल, आराम से इसको परचेज कर लें। इसको इस तरह पुश करके हम सीधे ऐसे रस करेंगे तो पूरी तरीके से ये पूरे बॉडी में एनिमल्स को अच्छे से स्प्रे कर दें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखें कि इसको कान में और आँख में ना मारें, आँख के पास ना मारें, कोई दिक्कत नहीं है, गलती से चला गया तो कोई नुकसान नहीं करेगा, बट डायरेक्ट ना मारें और पूरे बॉडी में उनको इसका स्प्रे करें। अगर मान लो एनिमल्स इसको चाट लेता है या कुछ मतलब पी भी लेता है गलती से, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना तो प्रेगनेंसी, यानी अगर गाय प्रेग्नेंट है, बच्चा देने वाली है, तो उसके कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूध दे रही है तो वो जितना दूध दे रही थी उतना ही दूध देगी, कोई उसमें कमी नहीं आएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बोटॉक्स, आइबरमेटिन, ये सब इंजेक्शन अगर लगा देंगे तो दूध की कमी हो जाती है। अगर गाय प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है, तो बच्चा फेंकने का भी कभी कभी डर रहता है, बट ये ऐसी दवा है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको चिचड़ी हुआ, उसको खाज खुजली हो गई है, या उसको शाम को अगर गर्मी के महीने में मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, तो आप शाम को 5 बजे इसको उसके पूरे शरीर पे मार दीजिए, एक भी मच्छर उसके ऊपर नहीं बैठेंगे, ना तो उसको मच्छर काटेंगे। और इस दवा का यूज हमें कंटिन्यू 3 दिन करना होगा, सुबह शाम 3 दिन करेंगे। उस 3 दिनों में हम गाय भैंस को नहलाएंगे नहीं, किसी भी टाइम नहीं नहलाएंगे। 3 दिन के बाद हम उसको छोड़ देंगे। इसको करने के बाद 45 दिन तक चिचड़ी नहीं लगेगी। अब 45 दिन के बाद अगर हम इसको दोबारा कर दें और फिर एक बार और कर दें, तो काफ़ी लंबे समय तक हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये दवा है, अगर हम किसानों से कहेंगे ये ज़रूर इसका लगाएं। और हमारे पास एक पंपलेट है, अगर आपको निरगुंडी का पौधा नहीं मिल रहा है तो हम फ्री ऑफ कास्ट हम आपको अवेलेबल कराते हैं, अपने पास से पौधा देंगे, आप उसको लगाएं। ये है सर निरगुंडी का पौधा है, ये सूख गया है पत्ती, इसको कहीं कहीं पर माला प्लांट, कहीं कहीं पे निरगुंडी, और इसका इंग्लिश नेम जो है बिटेक्स निगुंडो है। अगर आप इसको नेट पे ढूंढेंगे तो बिटेक्स निगुंडो के नाम से ढूंढेंगे। इसकी थोड़ी ऐसी पहचान है कि 2 तरह के होते हैं, एक में 3 कलियाँ होती हैं, 3 पत्ते, एक में 5 पत्ते होते हैं, ये पहचान है। अभी हमारे पास एक फ़ोटो है सिर्फ, इस तरह से ये पौधा है निरगुंडी का हमारा, ये निरगुंडी का पौधा इस तरह से हो जाता मिलता है हमें। तो और ये बनाने की विधि है, अगर आप चाहें कैसे बनेगा, ये पूरा बनाने की विधि है कि कैसे हम करेंगे। और ये नीचे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन करके, सबसे नीचे कांटेक्ट नंबर है, आप इससे फ़ोन करके इसके बारे में और जानकारी और या पेड़ लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं सर। तो सर इसको कितने दिन सुखाना पड़ता है जो ये? सर इसको सुखाना नहीं है, इसलिए कि अभी ये पौधा धीरे धीरे विलुप्त हो जा रहा है, ये मिल नहीं रहा है पौधा। अभी हमने 200 रुपये किलो पत्ती खरीद के लाया हूँ दिखाने के लिए, इसीलिए मैंने पूरे करनाल में 15,000 प्लांट लगाने का सोचा है।
हमने यमुना नगर में ऑर्डर दे दिया है, 15,000 प्लांट हम पूरे करनाल में प्लांट करेंगे। इसको सुखा के नहीं यूज़ करना है, डायरेक्ट पेड़ से तोड़ेंगे हम और डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे हमारी नीम की पत्ती है उसी तरह से हम इसको भी लेंगे। अभी ये न मिलने की वजह से हम इसको मार्केट से खरीद के लाए हैं यहाँ पर सर। तो सर ये NDRI द्वारा ये टेस्टेड है, मतलब जो ये टेस्टेड है, इस पर करीब 6 महीने से काम भी चल रहा है और उस पर हम खुद काम कर रहे हैं, कहीं दूसरे के हम नहीं कह रहे हैं कि हमने खुद इस पर काम किया। 80% रिजल्ट आया है, एनिमल्स पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। और यहाँ अपने कुटैल विलेज है ये करनाल में, वहाँ ये मुल्तान सिंह फार्मर है, वो पूरी तरीके से इसका काम कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर न्यूज़ है या समाचार है कि NDRI ने एक काफ़ी अच्छा कीटनाशक, जो कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और निर्गुंडी का पौधा अगर किसान को अवेलेबल नहीं होता है तो ये लोग उस पौधे को भी फ्री में उपलब्ध कराएंगे। तो किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर कोई आपका कुछ प्रश्न है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और NDRI की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हम वीडियो में दे देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।